की हदें पार, बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली की पुलिस ने पत्रकार के साथ बबरता की, हदें पार कर थर्ड डिग्री देकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्रकार ने सीओ से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते चले, दरअसल कोतवाली क्षेत्र के लुधौरी निवासी विकास दीक्षित अटल नाम के पत्रकार को पुलिस ने पत्नी के मामूली विवाद के आरोप में घर से पकड़कर थाने लेकर गए और वहां जमकर पिटाई की। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संगठन के माध्यम से मितौली तहसील के पत्रकार और जिलाधिकारी मितौली के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर पत्रकारों ने कार्यवाही की मांग करते हुए CBC ID जाँच की मांग की है। CBI जाँच की जी बताए, निघासन पुलिस द्वारा जो विकास पत्रकार है, विकास नाम उसके साथ घोर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है, उसके संदर्भ में SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा है और पत्रकार जगत में उस घोर निंदा कर रहा है। पत्रकार जगत बाद में जो निघासन पुलिस के द्वारा पत्रकार विकास दीक्षित के साथ थर्ड डिग्री देने का काम किया गया है, उसकी पत्रकार जगत घोर निंदा करता है और आज देश के पत्रकारों में आक्रोश है, पत्रकारों में उबाल छाया हुआ है। यदि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। ज्ञापन जो दिया गया है, संबंध में क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग की गई है जो एक चौथे स्तंभ के पत्रकार निघासन पुलिस द्वारा उस पर जबरदस्त उसकी निर्मम पिटाई की गई है, उन्हें तत्काल बर्खास्त कर CBI से जांच कराई जाए। निघासन पुलिस द्वारा चौथे स्तंभ के एक अखबार के पत्रकार पर पारिवारिक विवाद के चलते उसकी निर्मम पिटाई की गई, यह एक लोकतंत्र पर शर्मनाक हमला है। क्या मांग करना चाहते हैं? पत्रकारों की सामूहिक मांग है कि जो एक पत्रकार पर निर्मम हत्या निर्मम धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये विकास दीक्षित जो पत्रकार निघासन में पुलिस द्वारा जो पिटाई की गई है, उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हैं।